वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाटेकर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट इस्कम पीटर्स, और यू कैन आल्सो नेम इट एट शुम पीटर इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। दिस लाइन हु सेज? शुम पीटर। शुम पीटर और इस्कम पीटर सेज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। यानी अगर आपने इनोवेशन अगर कोई अच्छा कर लिया तो फिर जो है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये नॉर्मल सी बात है। कई बार दोस्त लोग बैठे होते हैं, कहते भाई यार कुछ ऐसी चीज़ बना लो ना जो बिल्कुल अलग हो, फिर हम लोग उससे प्रॉफिट कमाएं। ऐसा होता ना, जनरली आपने सुना होगा कि कुछ अलग लेके आओ, कुछ अलग आइडिया लेकर के आओ, कुछ अलग आइडिया लाओ, कुछ नया सोचो, है ना। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी। तो वो यही बात है जो इस कंप्यूटर ने यहाँ पर कहा है कि भाई कुछ इनोवेट करो, कुछ नया इनोवेट कर दो, फिर जो है कि उससे आपको प्रॉफिट होगा। तो इनका कहने का मतलब ये था। यानी जो है सब में अपने सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने अलग अलग बात बताई, है ना। आपका क्लार्क ने क्या कहा, जे वी क्लार्क ने क्या कहा कि डायनेमिक चेंजेस करो, मतलब जो है कि चेंजेस करो तब आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद नाइट ने क्या कहा कि जो है कि अनसर्टेनिटी से प्रॉफिट होता है ना। और उससे पहले आपके रिस्क थ्योरी यानी जो है कि आपके FW हावले थे, हौले हौले उन्होंने कहा कि अगर रिस्क जो है कि आप लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। यानी रिस्क लोगे तब प्रॉफिट होगा। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट, आपके मार्शल ने कहा कि मार्जिनल प्रॉफिट होता है, मार्जिनल रेवेन्यू से प्रॉफिट होता है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट आपकी अपनी। तो ये बोले कि भाई मैं भी कुछ कहना चाहूँगा कि भाई इनोवेशन से प्रॉफिट होता है ना? तो इन्होंने अपने इनोवेशन से इन्होंने कहा प्रॉफिट होता है। शुम्पिटर डीम्ड प्रॉफिट एज द रिवार्ड टू एंटरप्राइज एंड इनोवेशन। यानी जो है रिवार्ड टू एंटरप्राइज एंड इनोवेशन। इन हिज ओपिनियन द एंटरप्रेन्योर इनिशिएट्स इनोवेशन इन द बिजनेस एंड व्हेन ही सक्सीड्स ही अर्न्स प्रॉफिट। यानी अगर कोई व्यक्ति, कोई एंटरप्रेन्योर जो है वो इनिशिएट करता है इनोवेशन इन बिजनेस, अगर इन बिजनेस में कुछ नया लाता है, कुछ इनोवेट करता है ना, तब जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद ही अर्न्स प्रॉफिट एज इज रिवार्ड। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज इनोवेशन। क्वेश्चन अब उठता है व्हाट इनोवेशन है क्या एक्चुअल में। इनोवेशन मीन्स कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। ये क्या है कमर्शियल एप्लीकेशन? यानी जो है कि कमर्शियल का मतलब जो है कि कमर्शियल यानी जो कि इंडस्ट्रियल में कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कुछ नया आपका जो है वहाँ पर क्या हो, कोई एप्लीकेशन हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप बात कर लो, जैसे ये एप्लीकेशन बनाना, आज की डेट में एप्लीकेशन से याद आ गया, ये ऐप वगैरह फ़ोन में चलते हैं, है ना। ये ऐप जो है कि इसकी कभी ना कभी डिस्कवरी हुई, है ना, इसने पूरा भूचाल ला दिया मार्केट में। बताइए सोशल मीडिया ने पूरा भूचाल मार्केट में ला दिया। इनोवेशन ऐसा हो गया कि जो है कि पूरा भूचाल आ गया मार्केट में, है ना। जितने इसमें कमाई है इतनी किसी मास की में कमाई रही नहीं गई है ना। जितना इन कंपनी को कमाई हो रही है, जितना मेटा को कमाई हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझिएगा, टेक्नोलॉजी ने। एंड इनोवेशन इज देयर फॉर अ बिजनेस मैन विद विजन। यानी इनोवेशन ये आपका इनोवेटर, ये लिखा है इनोवेटर कौन है, अ बिजनेस मैन विद विजन, जिसका विजन हो कि हाँ भविष्य में क्या होने वाला है, उसको उसकी नीड यानी जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं फ्यूचर में, लोगों को क्या चाहिए होगा, वो विजन रखते हुए उसके सोल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ नया इनोवेट कर दिया है ना। फॉरसाइट, ओरिजिनैलिटी एंड इज बोल्ड इनफ टू बियर हाई रिस्क। और हाई रिस्क इन्होंने, रिस्क की भी थोड़ी बात करी है कि, और वो जो है कि बोल्ड इनफ टू बियर हाई रिस्क इन्वॉल्व इन अंडरटेकिंग न्यू एक्टिविटीज ऑन न्यू बेसिस। द इनोवेटर इज नॉट अ साइंटिस्ट। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट इनोवेटर है ना, क्योंकि एट द सेम टाइम इज एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर है उसका, लेकिन माइंड ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा इनोवेटिव माइंड होना चाहिए, लेकिन आप उसको साइंटिस्ट नहीं कह सकते हो, है ना। बट ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस न्यू इन्वेंशंस ऑन ए कमर्शियल बेसिस। लेकिन वो जो है कि सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करता है नई नई इन्वेंशन ऑन कमर्शियल बेसिस, यानी जो अपने व्यापार में वो नई नई इन्वेंशन करता है। इनोवेशन इज टू टाइप। इनोवेशन कितने तरीके, दो टाइप के, एक तो आपका प्रोडक्ट इनोवेशन है, एक आपका मार्केट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन का मतलब ऐसा कोई इनोवेशन जो आपने प्रोडक्ट में कर दिया, जैसे कौन सा फ़ोन चल रहा था आपका, कीपैड, लेकिन इनोवेशन क्या आ गया, इनोवेशन क्या, इनोवेट क्या कर दिया गया, एंड्रॉयड। तो पूरा मोबाइल इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। मोबाइल इंडस्ट्री में क्या, सबको आज की डेट में जो है कि कीपैड फ़ोन गायब हो गए, और सबको जो है कि टच फोन सबने ले लिया, कह सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन आपने सबने ले लिया,
तो एक तो इसने पूरा ये क्या था, एंड्रॉयड का था ये प्रोडक्ट था, है ना। दूसरा मार्केट इनोवेशन, मार्केट में पूरा इनोवेशन। जैसे क्या हो गया भाई, मार्केट में फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पहले क्या थे, ऑफलाइन मार्केट थी पूरी, आज के डेट में पूरी पूरी मार्केट ऑनलाइन हो चुकी है। ऑनलाइन कुछ भी खरीद लो आप, जाओ मार्केट में पूरा इनोवेशन हो गया। यानी जो भी ऑनलाइन वाला एक इनोवेशन जो हो गया, ये मार्केट इनोवेशन का। तो ये दो तरीके के इनोवेशन होते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन ऑफ अफेक्ट द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कॉस्ट और क्वालिटी अफेक्ट करती है। मान लो कीपैड फोन था, अब एंड्रॉयड आ गया, यानी क्वालिटी बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल क्वालिटी क्या पूछो उसकी, है ना। कीपैड एंड्रॉयड के सामने क्या कीपैड, तो ये लोग कहते हैं। हालांकि कीपैड आज भी जो बहुत से लोग रखते हैं, वो कीपैड फ़ोन जो है कि आप कह सकते हो कि बहुत लोग रखते हैं, और वो उनके बैटरी बैकअप बहुत अच्छा होता है। वाइल मार्केट इनोवेशंस इंक्लूड डिस्कवरी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू मार्केट, यानी नई मार्केट का एक्सप्लॉयटेशन, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, नए नए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाना, है ना। एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रोपेगेंडा। सेल्स प्रोपेगेंडा देखो यहाँ पे ये क्या था, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। इट हैज़ बीन सेड दैट एनी फॉर्म ऑफ इनोवेशन लीड्स टू प्रॉफिट। इनोवेशन चाहे आपका मार्केट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, वो आपको प्रॉफिट ला करके देगा। इट इज़ कॉल्ड एज इनोवेशन प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज अनसर्टेन एंड अनप्रडिक्टेबल, इट इज़ टेम्पररी नेचर। और ये प्रॉफिट क्या होता है, ये भी क्या होता है, टेम्पररी नेचर में होता है। क्योंकि भाई हो सकता है कि आपने इनोवेट करा और उस समय आपको प्रॉफिट नहीं हो, तो ये आपका कितना प्रॉफिट होगा इनोवेशन के बाद आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका अनप्रडक्टेबल है, आपका अनसर्टेन है ना। तो यहाँ पर जो है कि आप इसको, यू कॉन्ट से दैट हाउ मच प्रॉफिट यू आर डूइंग। तो ये आपका ये अनप्रडिक्टेबल है, आपका ये टेम्पररी है ना। अब इसके भी क्या है क्रिटिसिज्म है, इसकी भी कुछ बुराइयाँ हैं, इसकी भी कुछ क्रिटिसिज्म है, जो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुम्पिटर इनोवेशन थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। कौन कौन से ग्राउंड पे क्रिटिसाइज करेंगे, शुम्पिटर हैज़ नेवर कंसिडर्ड प्रॉफिट एज द रिवार्ड फॉर रिस्क। इन्होंने ये नहीं कभी कहा कि जो है कि प्रॉफिट जो है वो रिस्क लेने का रिवार्ड है। इन्होंने ये कहा कि प्रॉफिट इनोवेशन का रिवार्ड। हाँ, ऑल दो ही इंक्लूडेड वर्ड रिस्क, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रॉफिट रिस्क का रिवार्ड है ना। तो ये कठिनता, हालांकि देखो बिजनेस मैन है तो भाई वो रिस्क लेगा, रिस्क तो रहता ही बिजनेस में, है ना। तो लेकिन वो बात इंक्लूड करनी चाहिए थी, बट ही हैव नेवर कंसिडर्ड प्रॉफिट एज द रिस्क रिवार्ड ऑफ रिस्क, पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्या है, ही इज ऑफ दिस ओपिनियन दैट रिस्क टेकिंग इज द फंक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट। इन्होंने, इनका ओपिनियन क्या था, ये किस ओपिनियन के थे, ये इस ओपिनियन के थे कि रिस्क टेकिंग इज द फंक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जो नहीं है आपके, जो व्यापारी होते हैं कैपिटलिस्ट होते हैं, जो आपने मैंने पढ़ा रखा है आपको लेक्चर, शायद स्टार्टिंग का इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर प्रोजेक्ट में जाइए, वहाँ पर मैंने कैपिटलिस्ट के बारे में पूरा बता रखा है, जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ये आपका जो है कि फंक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड नॉट द एंटरप्रेन्योर, यानी इन्होंने कैपिटलिस्ट और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस कर दिया है। इन्होंने कह दिया कैपिटलिस्ट जो है कि वो क्या करते हैं, वहाँ पर जो है कि रिस्क होता है, रिस्क लेते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क नहीं लेता है। कैपिटलिस्ट में एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर होता है बताइए। कैपिटलिस्ट जो है आपका, आप कह सकते हो कि जो बड़ा व्यापारी होता है, एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा, आप कहो कि आप कल बिजनेस करने बैठ गए मान लो एक शॉप, तो आप एक साथ कैपिटलिस्ट नहीं बन जाओगे ना। जो बड़ा व्यापारी होता है, जो व्हेल होता है, व्हेल है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा है, वो रिस्क लेंगे, लॉस हो जाएगा, उनको नहीं पता लगेगा, तो वो कैपिटलिस्ट है। एंटरप्रेन्योर छोटा भी हो सकता है ना, ये चीज़ है। तो एंटरप्रेन्योर जो है कि रिस्क नहीं लेता है, तो नॉट ऑफ ऑफ द एंटरप्रेन्योर। इट इज शेयर होल्डर्स हु अंडरटेक रिस्क एंड दस अर्न प्रॉफिट। शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या रिस्क लेते हैं, है ना। ये उन्होंने बात की, इन्होंने सबको कैटेगराइज कर दिया, शेयर होल्डर अलग है, एंटरप्रेन्योर अलग हैं, आपके जो है कि ये कैपिटलिस्ट अलग हैं। देर इज नो प्लेस ऑफ अनसर्टेनिटी इन शुम्पिटर इनोवेशन थ्योरी। इनकी थ्योरी में कोई अनसर्टेनिटी की कोई जगह नहीं है। प्रॉफिट इज नॉट द रिवार्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, इन्होंने ये भी कह दिया प्रॉफिट जो अनसर्टेनिटी का रिवार्ड नहीं है। इट इज सिंपली द वेजेज ऑफ मैनेजमेंट। ये केवल और केवल क्या है, मैनेजमेंट की क्या है, वेजेस होती हैं, वेजेस होती हैं, जो कि आपकी यहाँ पे जो कि आपको कह सकते हो कि प्रॉफिट इज नॉट द रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी। इट इज सिंपली द वेजेस ऑफ द मैनेजमेंट। ये केवल और केवल मैनेजमेंट की वेज होती हैं, प्रॉफिट नहीं मिलता, अनसर्टेनिटी केवल वेजेस। दिस थ्योरी इज इनकम्प्लीट। उसके बाद कहते हैं ये थ्योरी इनकम्प्लीट है, कैसे। प्रॉफिट एक्योर्स टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशनल लाइबिलिटी।
एंड नथिंग एल्स। प्रॉफिट जो है कि निकलता है एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी के लिए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है, वो कितना कर पा रही है, कितना मेहनत कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कितना स्मार्ट वर्क प्ले कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है और किसी पर नहीं। देयर फॉर दिस थ्योरी हैज़ बीन कॉल्ड एज एन इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इमरजेंस ऑफ प्रॉफिट, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट कह दिया गया। तो ये इसके क्या थे, क्रिटिज्म थे। तो यहाँ पर भाई हमने कौन कौन सी अपनी, हमने कंप्यूटर इनोवेशन थ्योरी ये हमने पढ़ी, उससे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी आपकी, अनसर्टेनिटी वेरिंग थ्योरी जो कि आपकी दी है नाइट ने, उससे पहले हमने पढ़ी है हॉलेजिस्ट थ्योरी, उससे पहले हमने पढ़ी है डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, और डायनेमिक से पहले हमने पढ़ी मार्जिन प्रॉफिट थ्योरी, ये सारी की सारी हमने प्रॉफिट में थ्योरी पढ़ी। अब एक थ्योरी बची है, कौन सी एक थ्योरी आपकी बची है, वो थ्योरी कौन सी बची है, वो थ्योरी आपकी बची है मोनोपोली थ्योरी, है ना, मोनोपोली थ्योरी, मोनोपोली थ्योरी आपकी बची हुई है। तो वेट अ मिनट, तो मैं दूसरी पीपीटी में वो है, मैं एक बार ये ओपन कर लेता हूँ वो। हाँ जी, मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर हम बात करेंगे। जो मोनोपोली थ्योरी होती है, क्योंकि देखो कि ऐसा है ना, प्रॉफिट ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत मोटा एक अलग फैक्टर है जिसे कहते हैं मोनोपोली, यानी आपकी मोनोपोली कितनी। मोनोपोली का मतलब ये होता है, मोनोपोली आप जानते होंगे कि सिंगल फर्म है कोई, तो अभी तक आप मोनोपोली को समझते आए हो कि सिंगल फर्म कोई है और उसके पास बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है उसके पास, है ना, और यूनिक प्रोडक्ट के चलते जो है कि चूंकि प्रोडक्ट वो उसी के पास मिलेगा तो सारे वायर उसके पास आते हैं, फिर वो प्राइस कुछ भी रखे, प्राइस वो कुछ भी रखे उसका प्रोडक्ट बिकेगा, ये मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली ऐसा नहीं कि सिंगल फर्म होती है, मोनोपोली अगर चार फर्म है, 10 फर्म है या 20 फर्म है, अब 20 फर्म में मान लो कि जो 20th वाली फर्म है, जो 20वीं फर्म है, 20th फर्म है, इसका प्रोडक्ट मान लो कि ये ब्रांड है अपने आप में एक, ये अपने आप में मान लो क्या है, ब्रांड है। अगर ये अपने आप में एक ब्रांड है भाई, अगर ये अपने आप में एक ब्रांड है, मान लो फॉर एग्जांपल लास्ट पीरियड में मान लो ब्रांड, फॉर एग्जांपल कोई सा भी लो, मैं एडिडास दे देता हूँ, एडिडास मान लो ब्रांड है, तो अभी एडिडास ब्रांड है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें अगर शूज़ लेने जाना है ना, यहाँ तो बहुत सारे शूज़ की शूज़ यानी जो शूज़ मार्केट में, तो भाई ये तो पूरा पूरा परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता, मैं तो ये कहूँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उसके दिमाग में शूज़ लेने जाता, उसके दिमाग में उसने घर से डिसाइड कर लिया एडिडास के लूँगा जाके, मैं सीधा एडिडास के ही शोरूम पर जाऊँगा, यानी वो कहीं गया ही नहीं, उसने भाव ही नहीं पता करा कि शूज़ का क्या रेट चल रहा है इस समय। वो गया, उसने कहा भाई उसमें MRP टैग लगा हुआ है 6500 का है, ये आपका जो है कि 12000 रुपये का है, तो उसने देखा भाई इस पर कितना डिस्काउंट, उसने कहा इस पर हो जाएगा 10% डिस्काउंट यानी 1200 हो जाएगा, तो उसने कहा कि चलो ठीक है पैक कर दो, और जो है कि 1800 रुपये दे करके जूता ले आया। अब समझो पर इसमें इतना कितना प्रॉफिट किया, यानी जो है कि इस जूते में कम से कम तो नहीं इसने जो है कि 6-7 हज़ार का प्रॉफिट जो है कि कमाया होगा, और ये होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और उसने कमाया किसकी वजह से, अपनी मोनोपोली की वजह से, मोनोपोली मार्केट में करके इसने ब्रांड बना के अपनी मोनोपोली कर ली, समझ रहे आप। तो यानी ये होता है डिग्री ऑफ मोनोपोली, कितनी मोनोपोली, डिग्री ऑफ मोनोपोली पे डिपेंड करेगा कि कौन कितना प्रॉफिट कर रहा है। अब जैसे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, वहाँ भी मोनोपोली चल जाती ब्रांड की, मैं तो डब से ही नहाऊँगा, मैं तो कभी नहीं नहाता हूँ, पता नहीं जो लोग नहाते हैं भाई वो उनका कहना वो डब से ही नहाएंगे, मैं तो पियर्स से ही नहाऊँगा, मैं तो जो आजकल तरह तरह की खुशबू, मैं तो उसमें खुशबू आती है, कौन सा साबुन है, अलग अलग तरह के बहुत से लोग हैं, मैं है ना इस तरीके से, तो अपना डिपेंड करता है। किसी को सूट करने की भी बात होती है, मैं हूँ तो मुझे लक्स साबुन सूट करता है, पता नहीं क्यों बचपन से ही लक्स नॉर्मल सा अपना, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं, तो लक्स साबुन सूट करता है मुझे, और कोई आज तक समझ में ही नहीं आया। बॉडी वॉश वगैरह एक आध ले आता हूँ, एक दो हैं वो सूट करते हैं। तो यानी
अपने डिपेंड करता है क्या सूट कर रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से मोनोपोली बन जाती है, यानी बहुत सी ऐसी कम्युनिटी है जिसको बचपन से ही उसने ब्रिटानिया बिस्कुट खाया, तो आज भी उसको ब्रिटानिया चाहिए, तो उसकी अपनी ब्रांड की मोनोपोली। हालांकि भाई बिस्किट वाले बहुत सी कंपनियां हैं, एक तो है नहीं जो है कि जो एक ही जना बिस्किट बनता है, एक ही कंपनी बनाती है वहीं पे, यानी ब्रिटानिया एक है लेकिन, है ना। तो यानी जो है कि उन्होंने क्या कर लिया है कि कंपटीशन तो परफेक्ट है, उसके बावजूद भी मोनोपोली है वहाँ पे, उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तो आदमी फिर वहाँ पे प्राइस नहीं देखता है ना, वो कहता है कि भाई मैं ये वाला चाहिए, तो वो प्राइस वहाँ पर नहीं देखता है। आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, मोनोपोलिस्टिक पोजीशन गिव्स राइज टू प्रॉफिट। मोनोपोलिस्टिक जो आपका है यहाँ पर, ये वाला आप पढ़िएगा, ये वाला आप पढ़िएगा, ये वाला पूरा ऊपर वाला जो है कि आप पूरा पढ़िए, ये वाला है ना, ये वाला पढ़िएगा। मोनोपोलिस्टिक पोजीशन गिव्स राइज टू प्रॉफिट, ये जो है कि प्रॉफिट को क्या करते हैं, राइज करते हैं। बोथ इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन, बोथ इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन, दोनों में। यानी देखो यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता है कंडीशन कैसी है, जब आपकी मोनोपोली ही है तब चाहे स्टैटिक कंडीशन है, डायनेमिक कंडीशन। स्टैटिक का मतलब चाहे इकोनॉमी में सब कुछ स्टैटिक रहे, कुछ चेंज ना हो, और चाहे सब कुछ बदल रहा हो, लेकिन अगर मेरा नाम एडिडास है तो मेरा नाम एडिडास ही रहेगा, और जिसको एडिडास लेना है वो एडिडास ही लेगा आकर के। ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है बस इतनी सी। मोनोपोलिस्टिक कमांड्स, अब कोई ये ना कहे सर आप एडिडास के बहुत फेवर ले रहे हो, भाई मेरा एडिडास के कुछ से कोई लेना देना नहीं किसी प्रकार का, है ना। मेरा कोई लेना नहीं, नाम आ गया तो मैं तो यहाँ पे कुछ और जो है कि प्यूमा का शूज ले लूँगा ना, ये चीज़ें हैं। मोनोपोलिस्टिक कमांड्स आ कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड देयर फोर मैनेजेस टू मेक प्रॉफिट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोनोपोली पावर। उसके बाद यहाँ पर ही हो गया, यहाँ पर इट होगा, है ना। इट रेजेज प्राइस बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। ये जो है कि अपना मोनोपोली जो है वो अपना क्या करती है, प्राइस रेज कर देती है। कैसे रेज कर देती है, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इट्स लेवल ऑफ आउटपुट एंड देयर बाय मेक प्रॉफिट, और जो है वो क्या करती है, प्रॉफिट मेक करती है। जैसे मान लो ये नियम होता है कि भाई क्या है कि जब क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस, क्वांटिटी घटेगी तो प्राइस बढ़ेगा, है ना। तो जब प्राइस बढ़ाना है तो ये क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में कम कर दे, ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा प्राइस पे बेचने लगते हैं। एक जैसे ज़्यादा प्राइस लोग बेचते खरीदना चालू कर देते हैं, वैसे क्वांटिटी बढ़ा के बेच देते हैं, प्रॉफिट तो नॉन प्रॉफिट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मोनोपोली इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री ओनली, ये केवल और केवल डिग्री का मैटर है, कितनी मोनोपोली है आपकी मार्केट में। आपकी मोनोपोली 0.6 है तो आपकी 60% आपकी चलेगी मार्केट में, है ना। मोनोपोली पावर इज एक्साइज्ड नॉट ओनली बाय प्योर मोनोपोलिस्ट, ये ऐसा नहीं कि एक मान लो एक ही कंपनी है तो उसे कहा जाएगा प्योर मोनोपोलिस्ट। तो ये कहा जाएगा कि मोनोपोली पावर इज एक्साइज्ड नॉट ओनली बाय प्योर मोनोपोलिस्ट विच प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी एक फर्म जिसका कोई जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो किसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसके ही द्वारा मोनोपोली नहीं होती है, बट आल्सो समवट लेसर एक्सटेंट बाय द प्रोड्यूसर्स वर्किंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ऑलिगोपोली। यानी जरूरी नहीं कि जो है कि आपकी एक ही फर्म है उसका बिल्कुल यूनिक प्रोडक्ट हो, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में और ऑलिगोपोली में भी जहाँ पर कई सारी फर्म्स होती हैं और प्रोडक्ट भी जो है कि वहाँ पर जो है कि सब्स्टिट्यूट होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, उसके बावजूद उनके मोनोपोली चलती है। आदमी कहता है भाई मैं तो ओला से ही जाऊँगा, ऊबर मुझे चाहिए ही नहीं, ऊबर है ना, क्योंकि उसको ओला की सर्विस अच्छी लग गई, ऐसे मोनोपोली हो रही है। तो ये सारी यहाँ पर बातें थी। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, द डिफरेंस बिटवीन पी माइनस एम। देखो पी माइनस एम क्या है, पी का मतलब है आपका प्राइस, पी का मतलब है
प्राइस, और यहाँ पर आपका पी का मतलब है प्राइस और एम का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब जो है मार्जिनल कॉस्ट, अब यहाँ पर क्या है कि अगर बताइएगा मार्जिनल कॉस्ट कम है और प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट है। तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा होता है, डिग्री ऑफ मोनोपोली का फॉर्मूला ये है, पी माइनस एम अपॉन पी, ये चीज़। इसका मतलब ये हो कि जितनी कम मार्जिनल कॉस्ट होगी उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ मोनोपोली है, उतनी ज़्यादा डिग्री ऑफ मोनोपोली है। और ये बराबर होती है वन अपॉन ई, इलास्टिसिटी की ये होती बराबर, ये इलास्टिसिटी के आपके इन्वर्सली रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। अगर इलास्टिसिटी क्या होगी बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, मोनोपोली डिग्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस घटेगी तो डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगा। तो ये क्या है, द डिफरेंस पी माइनस एम एक्सप्रेस एट द फ्रैक्शन ऑफ प्राइस पी, दैट इज पी माइनस एम अपॉन पी, जो कि मैंने लिख रखा है, इज द लर्नर्स मीजर ऑफ डिग्री ऑफ मोनोपोली। नाउ इट हैज बीन असर्टेड बाय मैनी एक्सपोनेंट्स ऑफ मोनोपोली थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, स्पेशली एम कलेची, दैट द ग्रेटर द डिग्री ऑफ मोनोपोली, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ मोनोपोली यानी कि पी माइनस एम अपॉन पी की वैल्यू, ग्रेटर द साइज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द अर्नड बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ, यानी जितनी ज़्यादा मोनोपोली होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा एंटरप्रेन्योर के द्वारा या फर्म के द्वारा। तो बात बिल्कुल सच्ची है कि भाई जितनी ज़्यादा मोनोपोली उतना ज़्यादा प्रॉफिट, बात खत्म। जितनी ज़्यादा मोनोपोली उतना ज़्यादा हम प्राइस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, प्राइस जब बढ़ा के लेंगे तो भाई प्रॉफिट होगा ही होगा। एज वी नो दैट मोनोपोली पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इलास्टिसिटी, ये देखो मोनोपोली पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्राइस की इलास्टिसिटी के, मीन्स इफ प्राइस इलास्टिसिटी इज लोअर मोनोपोली पावर विल बी मोर एंड वाइस वर्सा, यानी अगर इलास्टिसिटी को एक लोअर है तो आपका मोनोपोली पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और या वाइस वर्सा मतलब प्राइस इलास्टिसिटी आपकी ज़्यादा है तो मोनोपोली पावर कम होगा। अब मैं एक यहाँ पर ब्लैंक पेज पे आपको डायग्राम में समझाऊंगा यहाँ पर कि जो है इलास्टिसिटी का मतलब क्या। तो देखिए आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो आपने पढ़ा हुआ, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना, जैसे मान लो कोई लाइन है फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, एक लाइन मान लो कि ऐसी है, ये एक लाइन ऐसी, तो इलास्टिक ज़्यादा कौन सी बताइए, ज़्यादा इलास्टिक कौन सी बताइए, ज़्यादा इलास्टिक कौन सी है, ज़्यादा इलास्टिक आपकी है ये वाली यहाँ पर जो फ्लैटर है, ये वाली, ये क्या है इलास्टिक है, और ये क्या है इनइलास्टिक, ये इनइलास्टिक है ना, या लेस इलास्टिक कह दो या लेस इनइलास्टिक कह दो, ये वाली है ना। तो यानी जो है यहाँ पर अगर ऐसे डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आए, पहला ये है दूसरा ये है, तो डिग्री ऑफ मोनोपोली भाई किस में ज़्यादा है बताइए, डिग्री ऑफ मोनोपोली का मतलब क्या कहा गया था कि जो अगर इलास्टिक ज़्यादा होगा, अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कम होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी का क्या कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है डिग्री ऑफ ऑफ मोनोपोली, इनवर्स रिलेशन है डिग्री ऑफ मोनोपोली से, यानी डिग्री ऑफ मोनोपोली अगर बढ़ेगी तो इलास्टिसिटी कम होगी, या इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ मोनोपोली कम होगी। तो इलास्टिसिटी तो इसमें किसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा है इस वाले में, यानी इसमें क्या है डिग्री ऑफ मोनोपोली, ऐसा नहीं है कि डिग्री ऑफ मोनोपोली इसमें नहीं है, इसमें भी है, यहाँ पर भी डिग्री ऑफ मोनोपोली है, डिग्री ऑफ मोनोपोली, लेकिन ये वाली डिग्री ऑफ मोनोपोली ज़्यादा है, इस वाली फिगर में डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हल्की सी जो है कि क्वांटिटी प्राइस जो है चेंज करता है
अब क्वांटिटी देखो कितनी बढ़ा देता है, इतनी क्वांटिटी बढ़ा देता है, बेच देता है थोड़ा सा प्राइस चेंज करके। और यहाँ पर देखो इतना ज़्यादा इनको प्राइस जो है कि कम करना पड़ रहा है, तब भी इतनी ही क्वांटिटी है ना, तो ये क्या है, कम इलास्टिक है। और यहाँ पर डिग्री ऑफ मोनोपोली क्या है, वहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये उल्टा बन गया फिगर। ये मैं अभी कहूँ कि ये पूरा ऐसा क्यों दिख रहा है, यानी इलास्टिसिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या है आपका, कम है। ये चीज़ है इलास्टिसिटी, ये ज़्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर कम होगी, यूनिवर्सल रिलेशन है ना, और यहाँ पर इलास्टिसिटी कम है तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर क्या है, ज़्यादा है। ये चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आपको ये आपका जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये तो आपको याद रखना है ना। ग्रेटर इज द शेयर इन द इंडस्ट्रियल, दूसरा पॉइंट क्या है डिग्री ऑफ मोनोपोली का, दूसरा पॉइंट क्या है मोनोपोली प्रॉफिट, मोनोपोली कैसे बनती है। ग्रेटर, ग्रेटर इज द शेयर, अगर आपका शेयर क्या है ज़्यादा है ना, ग्रेटर इज द शेयर इन द इंडस्ट्री आउटपुट और मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ मोनोपोली पावर। जितना ज़्यादा आपका शेयर होगा इंडस्ट्रियल आउटपुट में, बात समझो आप, इंडस्ट्रियल आउटपुट में आपका जितना ज़्यादा ही शेयर होगा उतना ही आपकी मोनोपोली की डिग्री ज़्यादा होगी, यानी उतना ही आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, कहने का मतलब है कि सपोज मार्केट में केवल 10 यूनिट जाते हैं बिकने के लिए, जिसमें कि 8 यूनिट तो आपके ही हैं, तो आप ही तो प्राइस तय करोगे, आप राजा हो फिर, आप लीडर हो, आप जो तय कर दो वही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो माल आपकी ही आ रहा है इंडस्ट्री में, है ना। अगर आपने कह दिया कि मैं सस्ता बेचूंगा तो बचे हुए तो वो तो लोग अपने आप बर्बाद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि सारा माल तो आप ही का, लोग आप ही सब खरीद लेंगे, उनका बिकेगा ही नहीं। आपने कह दिया प्राइस ऊपर रखेंगे, है ना, उनके पास इतना माल ही नहीं वो तो पूरा सप्लाई कर पाए, वो तब भी आपका बिकेगा, यानी लीडर आप हो। तो यानी जितना ज़्यादा आपका शेयर होता है इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा आपका क्या होता है मोनोपोली पावर, वेल्डेड बाय रिजर्व। दिस इज बिकॉज द ग्रेटर इट्स शेयर इन द मार्केट और टोटल आउटपुट ऑफ द मार्केट, द ग्रेटर विल बी फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सेटिंग द प्राइस। जितना ज़्यादा शेयर उतना ही ज़्यादा उसकी क्या फ्रीडम होगी, है ना, और जो है कि इंडिपेंडेंस होगा वो प्राइस सेट करने के लिए ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है ना। लेकिन इसमें जो है कि जो तैयारी आपको करनी है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये करनी है, मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें जो है मैं जो कंटेंट लेकर के आया हूँ वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छे से इसको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला टाइप क्वेश्चन का ये है कि क्वेश्चन आते हैं, पहला टाइप क्या है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। जैसे यहाँ पर लिख देंगे क्या, जेबी क्लार्क, यहाँ पर लिख देंगे श्रम पीटर, यहाँ पर लिख देंगे आपके लिए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ और लिख देंगे, सपोज फॉर एग्जांपल आपने मार्शल लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिख दिया नाइट, अब जो है यहाँ पर उन्होंने लिख दिया अनसर्टेंटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर लिख दिया ये, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कुछ और, फॉर एग्जांपल डायनेमिक, है ना, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने मार्जिनल थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, है ना, और एक जहाँ यहाँ पर उन्होंने लिख दिया इनोवेशन। यानी पूरे चैप्टर का निचोड़ उन्होंने एक ही क्वेश्चन ले लिया, दो नंबर क्वेश्चन है ये। आप कहेंगे भाई साहब इसको जो है मैच करो ए बी सी डी के साथ जो है कि मैच करो, है ना, आपसे कहेंगे इसको मैच करो, अब करिए भाई साहब मैच करिए जो है कि ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये आप
मजाक में बिल्कुल ना लें, जो भी कंटेंट लाता हूँ उसमें से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, जो कंटेंट लाता हूँ और काम का ही मैं कंटेंट लाता हूँ, इधर उधर का कंटेंट लाते ही नहीं हूँ ना। और मेन मोटिव यही कि आप एग्ज़ाम पास करें, तो कंटेंट जो आपका है वो आपका है। तो यहाँ पर तो गए आपको ऐसे मैच करना, अगर आपको पता होगा जब पढ़ा होगा तो आप कहोगे हाँ जे बी क्लार्क जो है उन्होंने डायनेमिक थ्योरी दी थी, शॉन पीटर ने इनोवेशन थ्योरी दी थी, मार्शल ने मार्जिन थ्योरी की बात करी, नाइट ने सर्टिक, आपका क्वेश्चन डन, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जो है कि अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी करिएगा, एग्ज़ाम आपका जून में है ना, और थ्योरी ऑफ प्रॉफिट आज ख़त्म हो गई है, अब अगले जो लेक्चर आएंगे वो आपके आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो लास्ट यूनिट है कंज्यूमर वेलफेयर, तो वहाँ पर जो है कि हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।